तुर्की में अपने घर को जल समाधि लेते देखकर एक इंसान चीख उठा। वो पल वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला होगा। दरअसल बाढ़ तो पहले भी आती रही है खुद तुर्की में ही, लेकिन अब तो कुदरत झपट्टे मारती है और पलक झपकते ही मलबे में तब्दील हो जाती है बड़ी बड़ी इमारतें, तुर्की के इस्तांबुल से लेकर ताइवान तक। ताइवान में तबाही का तूफान, मोराकोट ने मचाया कोहराम। ताइवान में ये कोहराम मचाया है मोराकोट ने। कुदरत का ऐसा तूफान जिसकी चपेट में जो आया वो बह गया। ताइवान के लोगों के लिए ये मामूली तूफान नहीं था, ये इशारा था कयामत का। ये देखिए 7 सेकंड में कैसे ये 5 सितारा होटल मलबा हो गया। और ये देखिए पूरा का पूरा मकान नाव की तरह बहा जा रहा है। इस सैलाब की ताकत का अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं, और इस बात का भी कि कुदरत के ऐसे कहर कितने बड़े खतरे का इशारा कर रहे हैं। ताइवान में पिछले 50 साल का ये सबसे भयानक तूफान था, और तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि इसमें इंसान मौत के सामने कितना लाचार था। टर्की में भी टूटा कुदरत का कहर। और अब ये तस्वीरें टर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल की हैं। ये सैलाब नहीं, इस शहर को रौंदती मौत है। जो इसकी चपेट में आया उसका फिर कोई नामो निशान नहीं मिला। इस इंसान ने बहती कार की छत से बचाने की आवाज बहुत लगाई, लेकिन पलक झपकते ये कहा गया कुछ पता नहीं चला, और ऐसे कई लोग गुम हो गए। बेहद खूबसूरत शहर इस्तांबुल का पूरा नक्शा कुछ ही मिनट में खराब कर देने वाला ऐसा सैलाब इतिहास में कभी नहीं आया, और आया तो इस बात की गवाही देता गया कि कुदरत के साथ हो रहे खिलवाड़ की कीमत दुनिया को अब ऐसे ही चुकानी पड़ेगी। आज तक ब्यूरो।